खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे ट्विटर चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर ना हूं आपके साथ नवेद खान। दिन है 27 फरवरी 2022। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा द्वारा नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन मेरठ में। आपको बता दें मेरठ महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा द्वारा मेरठ के होटल में रविवार को आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए विभिन्न स्कूलों के 200 से ज्यादा प्रधानाचार्य, प्रबंधक और शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियों ने एक स्वर में कहा कि शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की जरूरतों को हिसाब से जोड़ने से ही रोजगार बढ़ेगा और देश को तरक्की मिलेगी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में DIOS मेरठ ग्रिजेश चौधरी, RSO मुरादाबाद अनिमेश सक्सेना, CSE सिटी कोऑर्डिनेटर सुधांशु शेखर, NIOS डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष उपस्थित रहे। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षाविदों को महर्षि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर BP सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, महर्षि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीपी सिंह ने कहा कि महर्षि यूनिवर्सिटी के नोएडा और लखनऊ के कैंपस में सभी कोर्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन पर जोर देते हैं, ये आज के दौर की मांग है और भविष्य की जरूरत है। DIOS मेरठ गिरिराज चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी है कि अच्छी और व्यवस्थित जीवन शैली, सकारात्मक सोच, मन की खुशहाली की तरफ खुद को भी ध्यान दें और बच्चों को भी प्रशिक्षित करें, इससे आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ेंगे। वहीं RSO मुरादाबाद में सक्सेना ने कहा कि सीखना सिखाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। लर्निंग और अर्निंग यानी सीखना और कमाई दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समारोह का संचालन डॉक्टर शैली बिष्ट, डॉक्टर ऋतु केला, डॉक्टर ऋतु कौशिक ने किया। देखिए कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां और सुनिए क्या कहना है सम्मानित हुए शिक्षक गणों का। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवेद खान की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ऋतु केला। मैम आज टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बता दीजिए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एक्चुअली टीचर्स जो हैं वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने पैंडमिक में भी पूरा बढ़ चढ़ के बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे इस यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। और इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो बहुत अच्छा है कि हम एजुकेशन में जब तक वैल्यूज़ ऐड नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे होनहार सिटीजन जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो नहीं पैदा कर पाएंगे। तो उसी पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ व्हाट द कॉन्फ्रेंस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू मैम। नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम मिस्टर KB सिंह है, मैं दीवान पब्लिक स्कूल हापुड़ से हूँ और मैं आज यहाँ पर ये अवार्ड पाकर, जो एजुकेटर अवार्ड है इसको पाकर बड़ा ही खुश हूँ। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक जितने भी इस प्रकार के अवार्ड सेरेमनी होते हैं वो मोस्ट ऑफ द गिविंग टू द प्रिंसिपल, सो वी आर वेरी लक्की दैट कि MTU वी हैव इन्वाइट अस टू जस्ट ऑफर दिस अवार्ड एंड दिस इज वेरी ग्रेट अवार्ड फॉर अस, और हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़े तहे दिल से हम
महर्षि यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ओनर के लिए, टीचर्स के रेस्पेक्ट के लिए. आफ्टर दिस पोस्ट कोविड सिचुएशन दिस इज़ अ ग्रेट अवार्ड विच वी हैव रिसीव टुडे. सो थैंक यू वेरी मच टू MT यूनिवर्सिटी एंड द इवेंट मैनेजर जो भी हैं मिस्टर GP सिन्हा. आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल्सो. सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस एंड थैंक यू वेरी मच टू सर एंड थैंक यू वेरी मच टू महर्षि यूनिवर्सिटी. Atrapti Agarwal, I am Dean of School of Data Science from Maharshi University of Information Technology. MUIT ne ye sponsor yahan pe kiya hai. They have organized this particular event especially to honor all our teachers. And this is the first time jo Maharshi University ne apna step uthaya hai for all the teachers of merit. मैम लगभग कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया? यहाँ पे लगभग 100 से ऊपर टीचर्स को सम्मानित किया. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. श्री, आप कौन से स्कूल से? श्री, आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सम्मानित होकर. एंड थैंक्स टू महर्षि यूनिवर्सिटी जिन्होंने सम्मानित किया. मैं अनिमेश सक्सेना, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुरादाबाद. सर, आज आप यहाँ प्रोग्राम में हैं, आज के बारे में कुछ बताइए. महर्षि यूनिवर्सिटी ने मेरे को यहाँ पर कॉल किया है मोटिवेशनल और अवार्ड करने के लिए, जिससे कि हमारे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए कुछ शब्द बोलें और उनको मोटिवेट करें और उनके मेहनत के बारे में मुझे बता दीजिए. मेरा नाम GP सिन्हा. सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें मुख्य आयोजक आप हैं. जी जी. तो ये जो जहन के अंदर है कि टीचर्स को सम्मानित किया जाए, ये कैसा है? क्योंकि मैं खुद पिछले 32 सालों से एजुकेशन की लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें से 20 साल ऐसे हैं जो मैंने टीचर बिताए. तो एज टीचर मेरा जो अपना सोचना यही है कि समाज की जो नींव है वो टीचर ही है, क्योंकि समाज का निर्माण भी टीचर ही कर रहा है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए. और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था कि अब तक इतना कुछ नहीं मिला है. तो मैंने जब एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो फिर मैंने इसी दिशा में काम किया और इकट्ठा किया सभी सीनियर टीचर्स को जो पिछले 25-35 सालों से इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और एक ये अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया और ये बहुत ही सफल रही. सर, लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया? हमने इसमें लगभग 225 लोगों को सम्मानित किया. सर, मेरठ के या मेरठ के और भी लोग? मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के, जैसे मवान, खतौली, मुजफ्फरनगर, हापुर, बुलंदशहर वगैरह. थैंक यू जी. आपका नाम बता दीजिए. ऋतु कौशिक. मैम, आज का ये कार्यक्रम है, टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं. देखिए, टीचर्स जो है सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, बैकबोन है सोसाइटी के लिए, बिकॉज टीचर्स से ही आगे के सिटीजन्स मेंटर होके निकलते हैं. तो टीचर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों को दिशा देने में, बच्चों को गाइड करने में, वैल्यू इंकल्केट करने में एंड एजुकेट करने में. हम कितने टीचर्स को सम्मानित कर रहे हैं आज आप? समेयर अराउंड 200 के लगभग टीचर्स, 200 से 225 के आसपास. तो मैम, ये कहाँ कहाँ से हैं सब लोग? मेरठ और आसपास के एरियाज. मेरठ और नियर बाय. थैंक यू.